एवरीवन, सभी को युग चैनल इंटरनल बातें पे चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि पुनः जो है कि हम इम्परेटिव सेंटेंस जो नरेशन है इम्परेटिव सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और इसके विषय में हम आपको चलते बताने आइए। एक नज़र ब्लैक बोर्ड पर आप ध्यान रखिए यहाँ पर, और ये देखिए आप मतलब इम्परेटिव है, इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, और इसमें आपको हम बता दें कि इसमें आज्ञा प्रार्थना सलाह आदि शब्दों का बोध रहता है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का शुरुआत किसी सहायक क्रिया से हो तो रिपोर्टेड स्पीच को जो है वाक्य भाव के अनुसार ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइज या सजेस्टेड में बदल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, और रिपोर्टेड स्पीच को टू लगाकर जोड़ देते हैं और बाकी सर्वनाम में परिवर्तन करते हैं। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं एग्जांपल क्या होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, द टीचर सेड टू द बॉयज कमा सिट डाउन एंड कंप्लीट योर वर्क। सिट डाउन एंड कंप्लीट योर वर्क, ये जो है कि बताया गया कि माने इसमें अध्यापक ने, देख लीजिए, द टीचर सेड टू द बॉयज कमा सिट डाउन एंड कंप्लीट योर होमवर्क। अब आइए यहाँ पर द टीचर, अब रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, ये देखिए आपका इम्परेटिव है, अध्यापक ने बच्चों को ऑर्डर दिया कि सिट डाउन यानी बैठ जाओ, यानी ऑर्डर्ड द बॉयज। हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का शुरुआत किसी क्रिया से हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को वाक्य भाव के अनुसार ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड और सजेस्टेड में बदल देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को टू लगाकर जोड़ देते हैं। सीट हो जाएगा डाउन एंड कंप्लीट, अब ये बदल जाएगा योर आपका सेकंड पर्सन, हमने बताया कि सर्वनाम परिवर्तन करते हैं, योर आपका सेकंड पर्सन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डियर वर्क। और देख लीजिए यहाँ पर, द बॉय सेड टू हिज मदर कमा प्लीज गिव मी फूड। देखिए यहाँ पर प्लीज गिव मी फूड, लड़का अपनी माँ से जो है प्रार्थना किया कि प्लीज गिव मी फूड, कृपया मुझे भोजन दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है जब रिपोर्टेड स्पीच का प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, नरेशन बनाते समय जो है इनको हटा देते हैं और इसको जो है कि वाक्य भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड हिज मदर टू, अभी प्लीज खत्म हो जाएगा, यहाँ टू गिव मी बदले मी सेकेंड पर फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा बॉय से, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा और फूड हो जाएगा। ये आपका जो है कि इस तरीके से। अब आइए देखते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कमा टेक दिस मेडिसिन इन टाइम, तो हो जाएगा द डॉक्टर, जैसे डॉक्टर हमें सलाह देता है, सलाह टीचर भी देता है, लेकिन वो वाक्य भाव के अनुसार होता है। डॉक्टर एडवाइड या सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक
दिस बराबर डैट मेडी सीन इन टाइम। इस तरीके के आपके सेंटेंस हैं, तीन सेंटेंस है। अगर आपको नेगेटिव इंपरेटिव आ जाए तो देख लीजिए, मोहन सेड टू मी कमेंट कमा डू नॉट पोस्ट द लेटर, तब हो जाएगा यहाँ पर मोहन, और इसमें हम ऑर्डर्ड मी टू, अब देखिए डू नॉट को हम नॉट टू में बदलते हैं, नॉट टू पोस्ट द लेटर। अब एक तरीके से हम और कर सकते हैं, ओ आर करके मोहन फॉरवर्ड और मी, अब नॉट खत्म हो जाएगा, यहाँ टू लगा करके पोस्ट द लेटर। ये मना करने के लिए है, फॉरवर्ड मैंने मना कर दिया, मोहन ने मुझे मना कर दिया पत्र को छोड़ने के लिए। तो इस तरीके के सेंटेंसेज हैं। अगर नेवर आ जाते हैं तो नेवर लगाने के बाद अब टू लगा के उसको जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से हम मानी सेंटेंस को करेंगे, और इस तरीके से आपको एग्जांपल मिला है, एग्जांपल के तौर पर आप लोग काम करिए। और इस तरीके से और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को ये करने में जो है कि बहुत आसान होगा, और बहुत तरीके से आप काम कर लेंगे। ये जो है कि हम लोगों का वीडियो है, ये आप लोग आपके माध्यम से धीरे धीरे आपको हाई स्कूल के कगार पे पहुंच रहे हैं नरेशन। ये निश्चित है कि इस बार हो सकता है कि इसी में से पूछे, ये मुझे विश्वास है कि इस बार इम्परेटिव हाई स्कूल इंटर में पूछेगा, और आप लोग जो है ये करेंगे। अब इस पर हम आपको चार पाँच एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण। आइए देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज, यहाँ पर एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं हम। मोनू सेड टू रवि कमेंट कमा प्लीज गिव मी योर बुक। द गर्ल सेड टू हर फादर कमेंट कमा प्लीज गिव मी 10 rupees। श्याम सेड टू गोपाल कमेंट कमा डू इट एट वंस नेहा सेड टू हर यंगर सिस्टर कमेंट कमा रीड दिस बुक माय फादर सेड टू मी वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। रवि सेड टू प्रकाश कमेंट कमा टेक
केयर ऑफ योर हेल्थ और सीमा सेड टू मी कमट कमा डू नॉट कंप्लीट माय वर्क हरी सेड टू सोनम कामत कमा प्लीज डू नॉट गो देयर। इस तरीके के आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे, उदाहरण के तौर पर करेंगे और फटाफट आप लोगों को ये निश्चित रूप से आएगा और इसे आपको आने से कोई रोक नहीं पाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, छात्र छात्राओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप मजबूती से और ईमानदारी से और इसको मेहनत से लगन से पढ़ने का कोशिश करें और आपको निश्चित रूप से कोई रोक नहीं सकता है। ये नरेशन आने से जब मेहनत करोगे, पढ़ोगे, जानकारी रखोगे, तब आएगा। आज ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, मुझे विश्वास है। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आप लोगों को मैं इस पर समय देने के लिए धन्यवाद करता हूँ।